अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब सुस्ती हुई होती है ना, तो उस वक्त फिर ये सिंपल सा ही नाश्ता चलता है। बच्चों को और हमें बहुत पसंद है कॉर्नफ्लेक्स, तो साथ में इनको ग्रेप्स दे दिए, कॉर्नफ्लेक्स दे दिए और मैंने कहा फटाफट खा लो। मैं तो ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी थी। ये देखा मेरा ट्रिक क्या ट्रिक है, क्या बात है। अच्छा अभी मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर में ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना खाना बना देती हूँ। बच्चे अभी घर ही होंगे, शरारत का ऑफिस ना यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव, 5 मिनट भी पूरे नहीं है माशाल्लाह से ना, इतनी करीब है। तो ये कि जाना भी जरूरी है, तो बच्चों को मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह से घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम, तकरीबन 1.5 घंटा मैं बच्चों को घर छोड़ के जाऊंगी। अच्छा मैं बनाने लगी हूँ चीज बर्गर पास्ता, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और ये चिकन मिन्स से भी बन सकती है, या बीफ मटन कोई भी कीमा आपके पास है उससे ये बन सकती है। मतलब इसमें इतना टाइम है कि आप कीमा, अगर रेड मीट का कीमा है ना, तो उसे आप भून सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैवी वन पॉट, तो एक ही बर्तन में सारी की सारी बन जाएगी, तो कोई मुझे यहाँ पे खड़े होकर घंटा बर्तन धोने पड़ेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। चीज बर्गर पास्ता बहुत बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मीट भी होता है और पास्ता भी है, बच्चे तो शौक से खाएंगे। मैंने सबसे पहले तो टमाटर की स्किन पील करनी है, तो उसके लिए मैं इसको आग पे हीट कर रही हूँ, पका नहीं रही हूँ, बस ऊपर से स्किन थोड़ी सी ना ऐसे सॉफ्ट हो जाए तो फिर ईजिली उतर जाएगी। एक तो पानी वाला तरीका भी होता है ना, तो मुझे उससे ज़्यादा ईजी ये मैथड लगता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, और बस प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राउन श्राउन नहीं करना कुछ भी। ये पास्ता आप चाहें तो आप बटर में भी बना सकते हैं। उतने में टमाटर भी फटाफट से हो गया, आप ये देखें टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ ये कि ऊपर से छिलका ढीला सा हो गया ना, तो मैंने ये हटा दिया, टमाटर अंदर से कच्चे ही हैं ये। अच्छा जी, अनियन सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया। ये जो पास्ता है, इसकी रेसिपी मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, इसमें 500 ग्राम कीमा डलता है, लेकिन मैंने डबल डाल दिया, 450 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो टोटल यानी 900 ग्राम मैंने डाल दिया है, तो ज़्यादा कीमा इसमें अच्छा लगता है। बहरहाल मैं आपके लिए दोनों ऑप्शन लिख दूँगी, आपकी चॉइस होगी। इसको हमने बस इतना पकाना है कि इसका पानी अच्छी तरह से जब तक ड्राई होगा ना, तब तक से ये भुन जाएगा ज़रा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी टोमेटो पेस्ट। एक क्वेश्चन आएगा कि आप कीमा वॉश नहीं करती, तो नहीं, जो रेडी टू यूज कीमे होते हैं वो मैं वॉश नहीं करती हूँ, जो हाँ फ्रेश लेके आते हैं वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने अनियन पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, और ये पेपरिका पाउडर जा रहा है इसके अंदर, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। उसके बाद जो पेस्ट हम डालेंगे वो एक होगी मस्टर्ड पेस्ट, क्योंकि ये है चीज बर्गर, और साथ में वोस्टरशायर सॉस, ये नहीं है तो आप सोया सॉस डाल लें। और ये जो अनियन और गार्लिक पाउडर है ना, ये एक एक चम्मच आपने भर के डालना है, और इसी से ही फ्लेवर आएगा, यकीन करें। जिस वक्त आप अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि बस वो ना चिकन बर्गर्स नहीं होते, वो बनने शुरू हो गए हैं। और इसके अंदर बस मैंने अभी टमाटर भी डाल दिए, मिक्स किए, साथ ही टमाटर डाल दिए, और ऐसे थोड़ा सा ना टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे, तब तक कीमा भी पूरी तरह से पक जाएगा। कीमा रेडी हो गया, तो मुझे याद आया कि नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, अभी पास्ता भी तो डालनी है इसमें मैंने, तो फिर मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया। बस अब इसमें हम पास्ता और पानी ऐड कर, पास्ता मैंने टोटल 600 ग्राम डाली है, क्योंकि एक पैकेट तो माशाल्लाह बच्चे फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, तो वो 1.5 पैकेट डाल दिए, दो डिफरेंट थी वो मैंने मिक्स कर दिए हैं। और पानी जो है ना, ये देखें इतना काफ़ी नहीं है, पानी इतना डालने के पूरी तरह से ये पास्ता कवर हो जाएगी ना, तो फिर आपको मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्की आग पर अब इसको ना मीडियम टू लो, वेरी लो फ्लेम नहीं, आप इसे पकने दें, ज़रूरत पड़े तो पानी और भी डाल सकते हैं। उतने में मैंने सोचा कि ये जो रात में केक बनाया था ना, इसके ऊपर मैं ये फ्रॉस्टिंग लगा देती हूँ। ये देखें, ये फ्रिज से निकाली हुई डायरेक्ट फ्रॉस्टिंग है, ये इतनी ही रहती है, इसको मतलब आपको रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना पड़ेगा। बहुत मजे की बनती है, आप ये जरूर ट्राई करें, और ये केक तो खूब ही मजे का बनता है। खैर, उसके बाद बस सारे काम निपटा लिए मैंने, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ठंडा ठंडा पानी। बड़ी मुश्किल से थी हामी से बर्फ बचा बचा के रखती हूँ, फिर जाहिर बच्चे हैं घर पे, दिल चाहता है तो फिर यही बचपन का टाइम है उनका। फिर मैंने उसे एक और चीज़ कह दी कि बस ठीक है, बर्फ जितनी मर्जी खाओ आप, लेकिन ये कि फिर प्लीज़ ये आइस क्यूब भर दिया करो, वरना नीचे कंटेनर को इसने खाली किया होता है और ऊपर आइस क्यूब वाली ट्रे भी, कोई पानी नहीं होता उसमें, तो बर्फ ही नहीं मिलती है। हमारा वैसे डिस्पेंसर भी जो है वो ठंडा करता है, लेकिन उसमें मैं नहीं डालती कि बच्चे हर वक्त ठंडा पियेंगे तो गले ना खराब हो, बस कभी कभी।
इधर मैं क्या कर रही हूँ, मैं मुझे वैसे ख्याल आया शहजाद के लिए मैंने स्पेशली ये केक बनाया था, उनका बहुत टाइम से दिल कर रहा था चॉकलेट केक खाने का, तो मैंने ये अपनी नोटबुक में से ये एक ब्लू कलर का कार्डबोर्ड टाइप पेपर लिया और इसके ऊपर मैंने ये टूथपिक लगा दिया और इस पर मैंने लिख दिया था कि फॉर यू माई लव, कुछ ऐसे लिखा था, ओके चलिए अभी देख लेते क्या लिखा था सिंपल सा मैंने ऐसे करके रख दिया, हाँ फॉर यू माई लव लिख दिया था, और मैंने सोचा कि शहजाद आएंगे तो फिर उनको सरप्राइज मिलेगा। पास्ता रेडी हो गई है, कितने मजे की लग रही है ये देखे आपने। अच्छा अब ये ऑप्शनल है चीज बर्गर में, आपको पता है ये पिकल्ड गर्किन्स या क्यूकम्बर्स होते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पास्ता के साथ पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें, जस्ट इसके ऊपर मोजरेला चीज डाल दें और साथ में इसके ऊपर डिजाइन बना के ना जरा आप मेहंदी टाइप के डिजाइन बना के केचप डालें और फिर साथ में मस्टर्ड सॉस डालें, तो ये फटाफट से रेडी हो गई है। चीज जो है ना इसके ऊपर आप कवर कर देंगे उतने में खुद ही मेल्ट हो जाएगा, इतनी गर्म पास्ता है। पास्ता और बच्चों को पसंद ना आए ये हो नहीं सकता तो बस बहुत खुश हो रहे हैं दोनों, इनको भी मैं पास्ता डाल दूंगी, खुद भी मैं खा लूंगी क्योंकि खाना खा के ही हम लोगों ने निकलना था। अब मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह गया जिसमें खाना खाना भी है, रेडी भी होना है, फटाफट निकलना है, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ से आके पिक कर लेना था और उसके बाद हमने चले जाना था मॉल। तो ये है फाइनल लुक पास्ता की, आ जाए आप भी जल्दी से लंच कर लें फिर मुझे जाना है, तो फटाफट आप भी फारिग हो जाए ठीक है, देख लीजिए जो अच्छा लगे ना। नौशीन एक बार सामने आ जाए, पूरा आउटफिट दिखाएं अपना, अच्छी लग रही है। हम लोग ले रहे हैं ये कोचिनो मोका, इनकी बेस्ट है। मैंने लाइट्स ऑफ की हुई है और मैंने यहाँ PS5 लगा दी है, मैं खेल रहा हूँ साथ में, मिशी यहाँ फ़ोन यूज़ कर रहा है अपना। इस वक्त मामा अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई है और बाबा जो है वो ECR काम करवाने गए हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लेनी है, तो बाबा वो बंदा लेके गए हैं और साथ में मतलब जो चीज़ें ले रहे हैं वो उनके, वो सफाई के लिए लगे हुए हैं। AC की वजह से गर्मी इतनी है, कूलिंग ही नहीं हो रही, तो वो आया हुआ है इधर। नौशीन जो है डेट पे आई हुई है इनका हम फर्स्ट वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, हाउ आर यू गाइस? फाइन मामा, आई मिस्ड यू गाइस। नो, आई मिस यू टू। How was your day? My day was good. How was yours? बहुत बहुत enjoy किया। हमने तो बड़ा enjoy किया। Wow, really? मिशी ने तंग नहीं किया? Wow, मिशी ने भी तंग नहीं किया? Wow, good boy, मिशू। You doing this? I didn't want. Because you like puzzles. I didn't want this. I didn't find anything else. That's why. It's a puzzle. I don't like puzzles. Oh. तो हमें आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने का, है ना? Can I have it? No. खेलना भी नहीं, लेकिन उसने भी चाहिए उसको। इसने बिल्कुल तंग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड जॉब। और शराद ने वो करवा लिया ऐसी? ठीक, बंदा तो आया हुआ ना इधर। फटाफट फ्रिज तो खोले, आपके लिए कुछ रख के गई थी खाना। हाँ, मैंने समझा था मैं गई आऊंगी तो आपने फ्रिज सबसे पहले खोल के देखा होगा। वैसे ही मैंने इसके ऊपर लिख दिया, मैंने कहा चले आप आएंगे तो आप बैठेंगे तो फ्रिज में देखेंगे खोल के क्या खाना है, तो ये आपको नजर आएगा। अभी सिर्फ मेरे आप लोग नहीं खा सकते। नहीं, अब इतना भी फ्री ना हो जाए। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करके आई, इतना मजा आया, इतना मजा आया जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे गर्मी इतनी सख्त है ना, और घर आके जब फाउंडेशन वगैरह लगाई हुई थी ना, घर आके तो मुंह हाथ धोते हैं तो ऐसे स्किन ड्राई हो जाती है। वैसे मैं अपनी फ्रेंड से कह के हंस रही थी कि ना लोग जब मुझे रियल लाइफ में मिलते हैं ना तो डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हैं आप, फिर यूट्यूब पे तो और लगती हैं, असल में और लग रहे हैं
मैंने ना अपने एक्ने वगैरह सारी स्किन क्लियर करने का फिल्टर लगाया होता है, तो ज़्यादा जब वो फिल्टर लगेगा तो साथ में फेयरनेस भी आ जाएगी, तो लोग रियल में देखते तो कहते हैं ये कौन है, तो वो फिर हमेशा हर कोई मुझे ये कहता है कि मिशी को देख के हमने आपको पहचाना है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर, और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे हो गई, आप कहती नहीं पहले बहुत एक्ने थे ये वो, तो उनको बताना चाहूंगी सब फिल्टर्स का कमाल होता है और स्किन जो है ना किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, ये है कि कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने का मैं ये फिल्टर नहीं लगाती, वो नेचुरली उसमें स्किन वाले में आ जाता है। कॉम्प्लेक्शन के बारे में एक बड़ी प्यारी चीज मैंने पढ़ी थी, सुनी थी, एक मैं इस्लामिक लेक्चर सुन रही थी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने क्रिएट किया था ना, तो उस वक्त ज़मीन से अल्लाह ताला ने मिट्टी कलेक्ट की थी और वो हर कलर की मिट्टी थी। अल्लाह ताला ने जब उसे कंबाइन किया तो सबसे पहली क्रिएशन, ह्यूमन क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने बनाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के थे। तो जिसका गंदमी रंग है उसको तो फ़ख्र होना चाहिए, और हमारे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता है कि जिसका गंदमी भी है ना उसको भी जो है ना मतलब बुरा कंसिडर किया जाता है, और गंदमी से डार्क है तो उससे बुरा कंसिडर किया जाता है, लोगों को पूरा का पूरा जज कर लिया जाता है उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो ये है कि ये नहीं होता कि उनका दिल कैसा है, कॉम्प्लेक्शन वो चीज़ है जो उनके अपने हाथ में नहीं है। क्रीम वगैरह मैंने लगा ली, ये लगाती होती मैं ना सीटाफिल, तो ये बड़ा अच्छा होता है नॉन कमेडियर जाने के लिए। खैर, अभी जो वो बंदा आ रहा सोफे देखने के लिए, दुआ करें कि सोफा सेल हो जाए ताकि मैं नए सोफा ले सकूं। सुपर एक्साइटेड हूँ, अल्लाह करे वो बंदा जो है ना बस उसको पसंद आ जाए सोफे लेके चलता बने। भूख तो खैर खाना खिला के ऐसे तो ये कभी भी नहीं रोता। अच्छा चलो बस स्टॉप क्राइंग, इसे ठंडा पानी ला दो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मीशो का फर्स्ट टाइम था जिसमें डेढ़ घंटा मीशो अकेला रहा था मामा बाबा के बगैर, और यहाँ पे ना सारी वर्किंग मॉम्स होती हैं तो उनके बच्चों को आदत होती है। मेरा क्या है कि मेरे जो जॉब है ये भी घर बैठ के ही है, ये यूट्यूब वगैरह ही है, तो घर पे ही रहती हूँ ना, तो इसलिए इन लोगों को इस तरह आदत नहीं है। तो तिहामी तो बड़ा है तो मिशारी जो है घबरा गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, हमने कौन सा हर वक्त निकलना होता है, लेकिन हाँ अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। और शहजाद ने भी इस चीज़ पर इंकरेज किया था, ऑफिस पास ही उन्होंने कहा कोई बात हुई तो मैं फटाफट आ जाऊँगा, लेकिन यह कि आप अपना निकलो, आप लोग तो अपने लिए टाइम ही नहीं। तो खैर बड़ा अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया था हमने, बहुत बहुत एंजॉय किया था। और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनाब के सोफा जो है ना वो जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये इंडियन फैमिली थी और ये इंडिया भेज रहे हैं ये सोफाज को अपने घर में, माशाल्लाह से इनका आई एम श्योर ये अपना ही घर होगा जाहिर है, वहाँ पे ना इन्होंने सारा वो मूवी थिएटर टाइप का अरेंजमेंट करना है और इसलिए उनको अपनी फैमिली के लिए ये वाले सोफाज चाहिए। तो उनको पिक्चर्स में देख के कंडीशन बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिकअप अरेंज करके लाया हूँ साथ में कि अगर अच्छे लगे तो मैं ले जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन तो परफेक्ट थी, ना कोई स्क्रैच ना कोई खराबी, किसी किस्म का कुछ नहीं था, उनको बहुत पसंद आए तो वो उसी वक्त ही ले गए। तो चलें अल्लाह ताला उनके भी नसीब में करें और बहुत सारी खुशियां उनको भी दें। और बस हमारा ये रह गया, खाली हो गया, वैक्यूम मैंने कर दिया था और मैं हो गई हूँ अब खुश। मैं तो इनसे कह रही थी कि ये जो है ना कॉफी टेबल इसको भी सेल कर दे, मतलब फ्री में जो भी बंदा आया था ना वो फ्री में मांग रहा था, तो मैंने कहा दे दे फ्री में, ये तो कहते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी है, मैं सेल करूंगा इसको भी। तो बात इनकी भी सही है कि मैं तो कह रही थी कि खत्म करें काम को, लेकिन देखिए हमारी मर्जी की प्राइस में, दूसरी पार्टी थी उनकी मर्जी की प्राइस में सोफा सेल हो गया, सो वी आर वेरी 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 हैप्पी।
अब ये क्या मजा आएगा जा जाके हर जगह पे सोफा देखेंगे नए। और मेरा दिल चाह रहा है इस दफा मैं लेदर सोफाज ले, लेदर सोफाज हमने पहले खाए हुए रखे और उनके साथ हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस है। लेदर सोफा बेस्ट है रियाद से, तमाम तमाम से नहीं रियाद में लास्ट में लिए थे। पहले हमने एल शेप ना कोई फैब्रिक वाला सोफा रखा हुआ था रियाद में, फिर उसके बाद हमने लेदर सोफाज लिए। लेदर सोफाज को लेके फिर हम दमाम में रहे थे, दमाम से हाई भी लेदर सोफाज थे प्लस मजलिस बनवाई थी हमने। तो लेदर का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा अब तक का बेस्ट रहा है। तो लेदर सोफा लें इस दफा, देखते हैं मार्केट में क्या है। हाँ देखते हैं एल में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं ना। तो चलें जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी इंशाल्लाह आप ढूंढने के सोफाज बहुत एक्साइटिंग रहेगा, आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो तैयार हो जाए फटाफट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।